आज मौनी अमावस्या के दिन कुंभ का दूसरा स्नान किया जा रहा है। आज सुबह से श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार कुंभ मेले में 6 प्रमुख स्नान हैं। इसका पहला स्नान मकर संक्रांति के दिन था। कुंभ का तीसरा स्नान 16 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन होगा। वहीं चौथा स्नान 27 फरवरी को माघ पूर्णिमा की तिथि पर, पांचवा स्नान 13 अप्रैल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और छठवां प्रमुख स्नान 21 अप्रैल को रामनवमी पर होगा। मिनट तक रहा। आपको बता दें कि प्रयागराज में भी कुंभ के स्नान का खास महत्व होता है। त्रिवेणी संगम में कुंभ का स्नान करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। कुंभ के पहले तीर्थकर ऋषभ देव ने इसी दिन अपनी लंबी तपस्या का मौन व्रत तोड़ा था और संगम के पवित्र जल में स्नान किया था। माघ महीने को पुण्य का महीना माना जाता है और माघ मास के सभी स्नान पर्वों में मौनी अमावस्या का स्नान सबसे पुण्यकारी होता है। मौनी अमावस्या का दिन पूर्वजों के तर्पण, स्नान, दान आदि के लिए बहुत ही फलदायी होता है। मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से हर तरफ की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। कुंभ में स्नान, दान और पूजा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मान्यता के अनुसार इस दिन किया गया दान पुण्य 100 गुना ज्यादा फल देने वाला होता है। आज के दिन पूरे मन से इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो आयु लंबी होती है। मान्यता है कि इस दिन तिल या उससे बनी वस्तुओं का दान करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए सारे काम मौन रहकर किए जाते हैं। पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए इस दिन पितरों का ध्यान करते हुए सूर्य। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।